हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। तो आप लोगों ने देखा पिछले वीडियो में कि मैं जयपुर आया हुआ हूँ घूमने के लिए। अगर नहीं देखा तो पिछले वीडियो जाकर देख लेना। तो मैं जयपुर तो घूम लिया हूँ, अभी हम लोग जा रहे हैं पुष्कर, जहाँ पर है एक छोटा सा रेगिस्तान। उस रेगिस्तान में कई सारे फिल्म और सीरियल की शूटिंग हो चुकी है, जैसे करण अर्जुन, दिया और बाती, और भी कई सारी फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। तो मैं अभी वहीं जा रहा हूँ, तो चलिए चलते हैं। हम लोग आ गए हैं पुष्कर का रेगिस्तान। तो ड्राइवर वाले भैया ने बताया कि रेगिस्तान में ये कार नहीं जाएगी, आप लोगों को यहाँ से जीप बुक करनी पड़ेगी। तो चलिए चलते हैं जीप में। A few moments later. तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं जीप पर और जा रहे हैं रेगिस्तान घूमने के लिए। यहाँ पर हमने जीप बुक किया है एक दुकान से, जिसका नाम है पुष्कर पैराडाइज कैमल एंड जीप सफारी। दुकान वाले ने बताया कि 22 किलोमीटर जीप को चलाया जाएगा और पूरा रास्ता एडवेंचर से भरा हुआ होगा, मतलब कि पूरा ऑफ रोडिंग रास्ता रहेगा और जीप को उसमें स्पीड से चलाया जाएगा, मतलब कि पूरा मज़ा आने वाला है। लेकिन एक चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा महंगी लगी कि 22 किलोमीटर जाने का उसने 6000 रुपये बोला, मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी प्राइस है। 22 किलोमीटर का 6000 रुपये, सोच रहे हो कितना महंगा है ये। तो हमने कम करके 5500 में डन किया, इससे कम वो कर ही नहीं रहा था। तो फाइनली 5500 रुपये में बात पक्की हुई और हम लोग जा रहे हैं घूमने के लिए। तो अभी हम लोग आए हैं एक पार्क में, यहाँ पर हमारी जीप खड़ी है। यहाँ पर देखिए, रोज का पेड़ है, गुलाबी रोज का पेड़। यहाँ पर बालू वाली मिट्टी है, फिर भी सारे पौधे उगाए जाते हैं, जैसे गेंदा फूल, आम का पेड़, ये है आंवला का पेड़, वो देखिए वहां पर बकरी चर रही है। ये थोड़ा अलग टाइप की बकरी है, थोड़े बड़े बड़े और इसके बाल भी बड़े बड़े लग रहे हैं। यहाँ पर किसी का घर भी है, कुछ लोग भी रहते हैं। तो चलिए आपको पूरा बगीचा घुमाता हूँ।
ये है ठाकुर दुर्जन सिंह का हवेली, करण अर्जुन फिल्म में जो विलेन का रोल निभा रहे थे।
यहाँ पर ऊंट गाड़ी भी चलती है और यहाँ पर दुकान है जिसमें राजस्थान के कपड़े पहनकर लोग फोटो भी खिंचवाते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।